दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं M98 और M99 कोड के बारे में। हम देखेंगे ये वर्क कैसे करता है। M98 का कोड जो है दोस्तों वो है सब प्रोग्राम कॉल, और M99 का जो कोड है वो सब प्रोग्राम एंड। ये सब प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, सब प्रोग्राम है क्या, और हम ये कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, हमारा M98 का कोड और M99 का कोड कैसे यूज होता है, तो पूरे डिटेल में जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो हम दो तीन तरीके से देखेंगे कि इसे यूज कैसे करते हैं और हमें कहाँ इसका यूज आता है। तो चलिए मैं यहाँ पे प्रोग्राम बनाता हूँ। जैसे कि ये मेरा मेन प्रोग्राम है, ये मेरा मेन प्रोग्राम है, ठीक है। मेन प्रोग्राम का नंबर हमारा है 100। ये 100 नंबर का मेरा मेन प्रोग्राम है, और यहाँ पे मैं सब प्रोग्राम डालता हूँ। ये हमारा सब प्रोग्राम हो गया। सब प्रोग्राम का नंबर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 200। ये सब प्रोग्राम है, ये हमारा मेन प्रोग्राम है। अब मेन प्रोग्राम हम EN1 डाल देंगे, G28 डाल देंगे, अपना होम पोजीशन का डाल देंगे आगे। अब उसके नीचे G92 स्पिंडल स्पीड डाल देंगे, फिर टूल नंबर भी डाल देंगे, फिर कटिंग स्पीड भी डाल देंगे, जो भी हमें डालना है वो डालेंगे। मैं पूरा नहीं डाल रहा हूं, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है। अब उसके नीचे दोस्तों मैं डाल दूंगा G0 या 50.0, 50.0 Z2.0 एंटर ब्लॉक डाल दिया। अब इसके नीचे दोस्तों मैं डालूंगा M98 P डालूंगा। P जो डालूंगा उस सब प्रोग्राम का नंबर डालूंगा। सब प्रोग्राम हमारा कितना है 200, तो मैं यहाँ पे P200 डाल दूंगा, एंड ब्लॉक डाल दूंगा, ठीक है। अब इसके नीचे मैं डाल दूंगा M09, N2, G28, U0.0, नीचे मैं M30 कर देता हूँ, क्योंकि आगे का पूरा डालने जाऊंगा तो ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। M30 करके प्रोग्राम एंड कर दिया, ठीक है। अब मेन प्रोग्राम में हमारा टूल कहाँ जा चुका है, G0 या 50.0 Z2.0 यहाँ पे लेके गया हूँ। सब प्रोग्राम में दोस्तों हमें डाल देना है यहाँ पे G0 Z0.0 एंडम लॉक, G01 यक माइनस 2.0 आगे फिर डाल दिया, मैं फेस पे कट लिया हूँ, फिर G0 Z2 डाल दिया, टूल को बाहर ले लिया हूँ, ठीक है। फिर G0 यक अपना 50 के डायमीटर पे हम टूल बुलाए हैं, तो एक बॉडी पे मैं कट मार के दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं 48 डाल देता हूँ, 48.0 Z2.0 एंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। अब उसके आगे मैं G01 Z- 30 mm देता हूँ, ठीक है। आगे फीड दे देता हूँ मैं 0.2 का, फिर G01 52.0 एंड ऑफ ब्लॉक, G0 Z2 टूल को मैं 2 mm बाहर ले लिया हूँ। अब इसके नीचे दोस्तों हमें डालना है M99। ये हमारा हो गया सब प्रोग्राम एंड। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं M98 डाला हूँ, सब प्रोग्राम कॉल होगा, तो सब प्रोग्राम हमारा ये लेगा। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोग्राम रन होगा, फिर M99 जब खत्म होगा तो ये वापस यहाँ से आके M09 N2 G28 अपना होम पोजीशन पे जाएगा, M30 प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये मेन प्रोग्राम हमारा कहाँ रहता है और सब प्रोग्राम कहाँ रहता है। तो मेन प्रोग्राम जो है, जो हमारे मशीन के स्क्रीन पे रहता है, वो हमारा मेन प्रोग्राम हो जाता है। और सब प्रोग्राम है जो दोस्तों समझ लीजिए आप कि जो हमारे मशीन के मेमोरी में रहता है ना, वो सब प्रोग्राम समझ लीजिए। क्योंकि हम CNC मशीन में बहुत कम सब प्रोग्राम यूज करते हैं, ज्यादातर ये BMC मशीन में यूज होता है सब प्रोग्राम का। हम CNC में मेन प्रोग्राम में ही N1 N2 N3 करके पूरा प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, सब प्रोग्राम हम होम पोजीशन के लिए ज्यादातर यूज करते हैं। मैं देखा हूँ कई जगहों पे सब प्रोग्राम होम पोजीशन के लिए यूज होता है। तो मेन प्रोग्राम और सब प्रोग्राम दोस्तों इसी तरह हमें कॉल करना रहता है। मैं आपको आगे एक चीज और बताऊंगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि होम पोजीशन के लिए पहले कैसे यूज करते हैं। तो जैसे कि अगर हम सब प्रोग्राम में मेरा 200 नंबर का सब प्रोग्राम है होम पोजीशन के लिए, तो होम पोजीशन 200 नंबर में ये हमारा प्रोग्राम नंबर रहेगा।
200 का। इसके नीचे दोस्तों हम डाल देंगे G28 U0.0 W0.0 एंड ऑफ ब्लॉक, और मैं यहाँ पे M01 भी डाल देता हूँ ऑप्शनल स्टॉप, ठीक है। अब इसके नीचे मैं M99 डाल दूंगा एंड ऑफ ब्लॉक। ये हमारा होम पोजीशन के लिए सब प्रोग्राम रेडी है। अब जब भी हम कभी प्रोग्राम बनाएंगे मशीन में तो हमें इसका यूज कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सब प्रोग्राम हमारा कितना है 200 का, किसके लिए? होम पोजीशन के लिए। तो हम जब भी मशीन में आप प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम नंबर डाल देंगे, ठीक है। अब N1 जो डालूंगा N1, G28 U0.0 नहीं डालूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं सब प्रोग्राम रेडी करके रखा हूं, वही चीज मुझे यूज करना है। तो N1 M98 P कितना है 200, P200 डालूंगा, एंड ब्लॉक डाल दूंगा। G28 U0.0 ये हमें डालने की जरूरत नहीं है। ये क्या होगा, N1 M98 से सब प्रोग्राम लेगा, ये होम पोजीशन पे जाएगा, फिर ये M01 जब हमारा N1 कंप्लीट होता है उसके बीच में N1 N2 के बीच में हम M01 लगाते हैं ऑफलाइन स्टॉप के लिए। ये चीज भी हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा पूरे प्रोग्राम में, मतलब अपना पूरा प्रोग्राम ये कंप्लीट हुआ, नीचे आया N2, तो यहाँ पे भी हमें G28 U0.0 डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी हम डाल देंगे M98 P200, हमें M01 का लगाने की जरूरत ही नहीं है, हमारा ये M01 भी इसी में ऐड हो गया है। अब ये जब M01 तक जाएगा फिर नीचे जो है M99 से क्या होगा, सब प्रोग्राम हमारा एंड होएगा। सब प्रोग्राम एंड होगा तो वापस वो मेन प्रोग्राम पे आएगा। तो मेन प्रोग्राम में ये चीज होके फिर इसके नीचे का जो हमारा वैल्यू रहेगा, टूल नंबर, स्पिंडल स्पीड, कटिंग स्पीड और जो भी प्रोग्राम रहेगा फेसिंग का, टर्निंग का, वो रन होगा। वो रन होने के बाद फिर वापस N2 में आएगा M98 P200, फिर ये यूज करेगा अपना G28 का सब प्रोग्राम का, तो ये वापस होम पोजीशन पे जाएगा। होम पोजीशन पे फिर ऑप्शनल स्टॉप का बटन आप ऑन करके रखेंगे तो ऑप्शनल स्टॉप पे रुक जाएगा सब प्रोग्राम में ही, हाँ मेन प्रोग्राम में हमें डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों हम सब प्रोग्राम और मेन प्रोग्राम में M98 और M99 कोड का यूज करते हैं। M99 का कोड दोस्तों एक जगह और यूज होता है, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो जैसे कि ये हमारा मेन प्रोग्राम है, यहाँ पे सब प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, सब प्रोग्राम की तरह ही काम करता है M99 भी। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे N1 का प्रोग्राम बनाया है, नीचे हमारा ये फेसिंग का प्रोग्राम हो गया, हाँ पूरा प्रोग्राम मैं बना नहीं रहा हूँ, हाँ आप समझिए ये हमारा फेसिंग का प्रोग्राम होगा N1 का। नीचे मैं N2 डाल दिया हूँ, N2 डीलिंग का प्रोग्राम, ठीक है, डीलिंग का प्रोग्राम डाल दिया हूँ N2 का। अब मैं N3 का प्रोग्राम नीचे डाल देता हूँ, VNMG का फिनिश का प्रोग्राम डाल दिया मैं, ठीक है, N1 N2 और N3 बराबर। अब हमें एक जगह प्रोग्राम जंप करने के लिए भी M99 का कोड यूज करना रहता है दोस्तों, हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, जैसे कि हमारा अगर N1 का प्रोग्राम रन करना है, N2 का प्रोग्राम हमें रन नहीं करना है, हमें डायरेक्ट N3 का प्रोग्राम रन करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, N2 के नीचे, N2 जो है अगर हम इस तरीके से यूज करते हैं, तो अगर हम G28 से भी यूज करते हैं उसमें भी हम प्रोग्राम जंप करते हैं M99 से, तो हम अपना जो होम पोजीशन रहता है ना, जैसे G28 अगर हम यूज करते हैं G28, या फिर हम जैसे कि मैं यहाँ पे सब प्रोग्राम का बताया हूँ, ऐसा अगर यूज करते हैं उसके जस्ट नीचे हम क्या डालेंगे, M99 P3। तो क्या होगा, N1 का प्रोग्राम रन होगा, N1 का प्रोग्राम रन होने के बाद N2 का प्रोग्राम रन नहीं होगा, डायरेक्ट N3 का प्रोग्राम ले लेगा M99 P3। अब आप सोचेंगे कि ये भी सब प्रोग्राम की तरह काम करता है, हाँ सेम वैसे ही करता है, लेकिन इसमें दोस्तों थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है वो चीज भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारा जो भी प्रोग्राम है
यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा सब प्रोग्राम है, ये मेन प्रोग्राम है, ठीक है, ये मेन प्रोग्राम है, ये सब प्रोग्राम है। अब ईयर वन में प्रोग्राम मैं जो यूज किया हूँ, प्रोग्राम नंबर हमारा कितना है, ईयर वन प्रोग्राम नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 100 ही डाल देता हूँ, ठीक है, 100 नंबर। ये हमारा मेन प्रोग्राम, ये हमारा 200 सब प्रोग्राम हो गया। अब ईयर वन में G28 यूज किए हम, ठीक है, ऐसे ईयर टू भी यूज किए, ईयर थ्री भी यूज किए अपने मेन प्रोग्राम में, यहाँ ईयर फोर भी यूज किए, ईयर फाइव भी यूज किए। इसी तरीके से दोस्तों हमारे मशीन के मेमोरी में एक नंबर प्रोग्राम है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर और पांच नंबर, यहाँ पर मैं सब नहीं लगाया हूँ, हाँ मैं एक दो सीरियल नंबर केवल डाल के बता रहा हूँ आपको। तो जैसे कि यहाँ पे N1, N2, N3, N4, N5 है, अगर मुझे N1, N2 रन करने के बाद N3 रन नहीं करना है, डायरेक्ट मुझे जाना है N4 पे, ठीक है, N2 के नीचे मैं डाल दूंगा M99 P4 डालूंगा, तो N3 रन नहीं होगा, N3 रन नहीं होगा, सीधा N4 रन होगा, बराबर। अब ये चीज जो है M99 ये प्रोग्राम नहीं लेगा, कितना डाल रहा हूं P4, ये प्रोग्राम नहीं लेगा। और अगर मैं M99 की जगह M98 कर देता हूं, M98 P4, तो ये N4 का प्रोग्राम नहीं लेगा दोस्तों, ये लेगा प्रोग्राम नंबर 4। M99 करेंगे तो क्या लेगा, वो नहीं लेगा, ये लेगा N4 का प्रोग्राम, और M98 कर देंगे तो ये नहीं लेगा, ये 4 नंबर का प्रोग्राम हमारा उठा लेगा, सब प्रोग्राम समझ के यहां पे ये उठा लेगा। तो इसमें दोस्तों यही फर्क है M98 और M99। बहरहाल हम M98 सब प्रोग्राम कॉल के लिए यूज करते हैं और M99 सब प्रोग्राम एंड के लिए यूज करते हैं, और M99 का भी हम प्रोग्राम मेन प्रोग्राम में ही प्रोग्राम जंप के लिए यूज करते हैं। मतलब हमें N1 का प्रोग्राम भी नहीं रन करना, N2 का भी रन नहीं करना है, तो प्रोग्राम नंबर के नीचे अपना होम पोजीशन का जो रहेगा G28 कोड, उसके जस्ट नीचे ही हम M99 P5 का डालेंगे, तो डायरेक्ट हमारा 5 नंबर का जो N5 का प्रोग्राम रहेगा वो प्रोग्राम रहेगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।